नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जेजेपी के दो विधायकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जननायक जनता पार्टी के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई गई है जेजेपी की ओर से। रामनिवास सुरजखेड़ा के खिलाफ याचिका लगाई गई और इसी के साथ साथ विधायक जोगीराम सिहाग का नाम भी इस सूची में शामिल है। दोनों ही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने के लेकर यह याचिका लगाई गई। दल बदल कानून के मुद्दे पर याचिका लगाई गई है। और आपको बता दें, आरोप है कि पार्टी के खिलाफ जाकर दोनों ही विधायकों ने काम किया है, यानी रामनिवास सुरजखेड़ा और विधायक जोगीराम सिहाग के खिलाफ याचिका लगाई गई है विधानसभा स्पीकर के समक्ष। आधार तो ये है कि उन्होंने स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। जोगी राम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है, अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें। और उधर से रामनिवास ने नरवाना में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज पर स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं काफ़ी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं। पिछले दिनों ये अपना चीफ मिनिस्टर से पानीपत में मिले हैं। तो इस करके इन चीज़ों को देखते हुए भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए हमने नोटिस दिया, उनका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो इसलिए हम 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके पैराग्राफ 2A 2-1A के तहत हमने स्पीकर साहब के पास अपील डाली है। तो आपको बता दें कि जेजेपी ने अपने दो विधायकों के खिलाफ ये शिकायत दी है, याचिका लगाई है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। पवन, एक बड़ा घटनाक्रम हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के विधायकों से जुड़ा हुआ अब सामने आया है। जेजेपी ने अपने विधायकों के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग की है, किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? लगता है पवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जननायक जनता पार्टी ने अपने दो एमएलए के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई है, कार्रवाई की मांग की गई है। दोनों विधायकों के ऊपर आरोप है पार्टी की लाइन से हटकर पार्टी विरोधी काम करने को लेकर, जिसमें रामनिवास सुरजखेड़ा और जोगीराम सिहाग का नाम शामिल है। दोनों ही नेता अलग अलग मौकों पर बीजेपी की रैलियों में शामिल हुए थे और इसी वजह से जेजेपी की ओर से मांग की गई है विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका लगाकर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल हुए हैं हालिया दिनों में जो कार्यक्रम हुए, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जेजेपी के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और पवन सिवर हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, जिसमें बताया जा रहा है कि जेजेपी के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी के दो विधायक हैं, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग हैं और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजखेड़ा है, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के सामने दल बदल कानून के तहत शिकायत की है, याचिका एक तरीके से दायर की है और मांग की है कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मामले में अभी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से या विधानसभा सचिवालय की तरफ से क्या कुछ रुख रहेगा, इस पर अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन ये जो याचिका या शिकायत जो है, ये जननायक जनता पार्टी के इन दोनों विधायकों की मुश्किल जो है वो बढ़ा सकती है। जननायक जनता पार्टी की जो सचिव है रणधीर सिंह झाझड़िया, उनका ये कहना है कि दोनों जो विधायक है वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके मंच जो है वो साझा कर रहे हैं, इस लिहाज से इनके खिलाफ शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को दी गई है, ये जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही रणधीर सिंह का ये कहना है कि लगातार इनको नोटिस जो है वो दो बार तीन बार दिए गए और पूछा गया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, लेकिन उन्होंने विधायकों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते अब जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष के सामने दल बदल कानून के तहत इन दोनों विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की गई है, शिकायत की गई है। बहरहाल
देखना यही होगा कि शिकायत पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से क्या वो तथ्य या क्या बात सामने आती है। रणधीर सिंह का ये तक कहना है कि देवेंद्र सिंह बबली जो है वो अभी तक किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं, इसी के चलते उन पर ये अदल बदल कानून की शिकायत नहीं की है, बल्कि उनको पार्टी ने नोटिस जरूर दिया है। जिस तरीके से वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसके चलते उनको नोटिस दिया गया है। जी पवन, एक और सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरह से दोनों विधायकों के खिलाफ शिकायत दी गई है, इस मामले में क्या कार्रवाई बन सकती है और जेजेपी ने क्या मांग की है इन दोनों एमएलए के खिलाफ कार्रवाई के लिए? देखिए, जननायक जनता पार्टी ने दोनों विधायक जिसमें जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा है, इनके खिलाफ जो शिकायत दी है उसमें ये कहा है कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर दल बदल कानून के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर इन दोनों विधायकों की सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ जाती है, और अगर उस कानून के तहत कार्रवाई होती है तो उनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो लंबी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस शिकायत पर, जिन दोनों विधायकों की शिकायत है उन्हें मौका दिया जाता है, वो अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद जननायक जनता पार्टी जिस तरह के आरोप की बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की बात हो या उनके मंच साझा करने की बात हो, उनसे जुड़े तथ्य जब रखे जाएंगे तो तमाम जो चीजें सामने आती है उसके आधार पर भी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ती है। ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन बहरहाल उससे पहले पूरी प्रक्रिया रहती है। जो आरोप लगाने वाला पक्ष है यानी जननायक जनता पार्टी है, उनको जो उनका आरोप है उसको साबित करना है, दोनों जो विधायक है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन्हें अपना, उनके ऊपर जो आरोप है उससे कोई संबंध नहीं है ये उन्हें साबित करना होता है। तो एक पूरी प्रक्रिया रहती है और पूरा एक प्रोसेस है, कई बार मौके दिए जा, सुनवाई लंबी चलती है, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दोनों विधायकों की शिकायत विधानसभा के अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत की दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी बातचीत और विस्तार से पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह कि क्या कुछ आगामी घटनाक्रम इस पूरे प्रकरण को लेकर अब होने जा रहा है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस कड़ी में उन्होंने कलनौर हलके के कई गांवों का दौरा किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर अरविंद शर्मा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही जनता से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की भी अपील की। इस अवसर पर जगफूल अंबेडकर, संदीप प्रजापति, श्री कृष्ण शास्त्री, जितेंद्र दक्ष, मेहताब सिंह, रेणु डाबला, विनोद पांचाल, सतीश चौधरी, दिनेश धनखड़, नरेश खनगवाल सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इस कड़ी में उन्होंने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने धर्मवीर सिंह का मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों के काफिले के साथ फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों और बीजेपी की सरकार में दिन रात का फर्क है। कांग्रेस सरकार में एक जिले तक सीमित अपना विकास कार्य कराया करते थे और बीजेपी सरकार में पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य कराए जाते हैं। साथ ही उन्होंने जनता से कमल का फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की भी अपील की। धर्मवीर सिंह के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक कांग्रेस बहुत पहले होती थी, जब कांग्रेस के बड़े लीडर एक नजर से, एक आंख से प्रदेश का बराबर विकास करते थे,
लेकिन आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं, वो तो जो भी जिसका हाथ में सत्ता मिली, पार्टी की चाबी मिली, अपने जिले से बाहर वो नहीं छोड़ते। और दूसरों को कैसे नुकसान किया जा सकता है, चाहे उनको बनाने वाले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन लीडरों को सबसे पहले काटने की कोशिश करेंगे जिनके सारे वो चढ़ते थे। और जब पावर आ जाती है तो अपने जिले से बाहर की वो कभी नहीं सोचते, चाहे नौकरी का मामला हो। जब भी सत्ता आती है तो अपने जिले से बाहर की प्रोग्रेस कभी नहीं देखते। नौकरी होगी तो अपने जिले से होगी, दूसरा काम होगा तो अपने जिले में होगा, नए होगी सुधारीकरण होगा तो अपने जिले में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मैंने देखा है जो काम नाम चौधरी में है वही अंबाला में, नौकरी होगी तो सबकी बराबर होगी। इसी प्रकार से अब क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव में जैसे मौसम बदलता है वो कई आदमी भूल के बदली कर जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारे साथी थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, कहीं बैठ के बीजेपी से कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस वाले नहीं तो कौन बोला उसमें कांग्रेस में वही बैठे हैं जो तेरे पहले थे, क्या क्या ना उधर प्यारा ना उधर कर। तो वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस कड़ी में उन्होंने सोहना विधानसभा के 12 से भी ज्यादा गांवों का दौरा किया है। गांव कादरपुर में पहुंचने पर राव इंद्रजीत सिंह का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार देश हित में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, आज हर कोई देश के बारे में सोचकर मोदी जी को वोट दे रहा है और ये वोट देश निर्माण में काम आएगा, क्योंकि ये चुनाव देश के बेहतर निर्माण और भविष्य के लिए चुनाव है, इसलिए आज हर मतदाता समझदार है और देश हित में इस बार अपने मत का प्रयोग करेगा। राव इंद्रजीत सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थकों और ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं रोहतक से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कलानौर के कई गांवों का भी दौरा किया। ग्रामीणों ने अरविंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान अरविंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का दावा किया। अरविंद शर्मा ने कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, हम 400 पार के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान वो विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा और कांग्रेस ने एक तरह से अपनी हार मान ली है, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस बौखला गई है, जिसके चलते डर और भय का माहौल बनाने में जुटी हुई है। अरविंद शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा। चोर हथियार लेकर के भी घर में पड़ जाए और जान हो जाए और चार होकर के एक में रुपये मारा चोर वो गोली पूछा कितना बड़ा बदमाश हो। इसी तरह से ये जो वोटों को चुराने वाले जो चोर हैं, वो वोटों को चुराने वाले इनको अगर बोल के ले लोगे, हम आपके साथ आधी रात में ड्यूटी दिखाते हैं, आप मजबूत रहो, काम बढ़िया पड़ा है। आप लोगों के आशीर्वाद से चारों तरफ मोदी मोदी कमल का फूल है चारों तरफ। और अब की बात बहुत मजबूती से 36 बरादरी आप लोग सब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मोदी गरीबों का हमदर्द है। मोदी गरीबों का हमदर्द है, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो और भाई जनरल जाति से हो, मोदी गरीब का हमदर्द है। क्यों? क्योंकि मोदी ने भी गरीबी देखी हुई है, इसलिए मोदी आपका हमदर्द है। और रुकेंगे यहां पर एक और ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।
चाचा नौकरी लग गई है, दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अंबाला पूरी तरह तैयार है। राज्य मंत्री असीम गोयल जनसंपर्क अपने पैतृक गांव ननियाला पहुंचे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया भी मौजूद रहीं। ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान असीम गोयल ने पीएम मोदी की रैली में शामिल होने का न्यौता दिया। ये सोच रहे हैं भाई अच्छे होंगे, मेरे को अपने घर में नुकसान पहुंचा लेंगे, मेरे घर की दीवारें इतनी कमजोर नहीं है। कमजोर है क्या जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमजोर है क्या दीवारें? तो कोई घुस जाएगा क्या उसके अंदर? घुस सकता है कोई? ये आपके ऊपर संभाल के जा रहा हूं मैं। और आज हमने सारे प्रोग्राम कैंसिल करे, क्यों? कल प्रधानमंत्री जी आ गए, भाभी जी को मैंने कहा मैं बाबू जी कोई ना ननिवड़ा तो मैं जाऊंगा तेरी ना ननिवड़ा। कटारिया जी का दूसरा घर था, कटारिया जी को बहुत प्यार था ननिवड़ा से। मैं सारे प्रोग्राम चाहे कैंसिल कर दे, मैंने ननिवड़ा जन्म लिया। बाकी आप देखना सारे प्रोग्राम को भी, कल मोदी जी का इतना बड़ा प्रोग्राम है, कल के लिए एक एक मिनट कीमती है, लेकिन ननिवड़े के लिए बाबू जी ने कहा आना। मैं खुद अपने घर में अपील करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कल हरियाणा की धरती से चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे, जहां अंबाला में बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, तो वहीं गोहाना की जनता से मोहनलाल बडौली के लिए वोट की अपील करेंगे। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और आम जनता को पीएम मोदी की रैली में शामिल होने का न्यौता दिया। वहीं पीएम मोदी की रैली के लिए कार्यकर्ताओं और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ड्यूटी भी लगाई गई। भारी उत्साह है और बहुत जोरदार तैयारी है और यह अभूतपूर्व रैली रहेगी। आप सभी से कोई किसी का सुझाव हो तो